Bismillah rahman rahim Assalamu alaikum dear viewers welcome to my youtube channel English studies with Mohsin Muneer I hope you <coughs> today I am going to share a video with you people for the paper prose a fourth paper of MA English part 1 I am going to tell you which uh, what is the syllabus of prose how many prose writers are there and uh, वाट सेलेक्टिव स्टडी स्कीम यू शुड गो फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ प्रोज़ पेपर तो सबसे पहले तो ये मैं डिस्कस करता हूँ कौन से प्रोज़ राइटर हैं आपके कितनी बुक्स हैं सबसे पहले रेनिस एज का बेकन फ्रांसिस बेकन उनके बेकन ऐस फिर एटीन सेंचुरी एज ऑफ पोप में हमारे पास हैं गिबस ट्रेवल्स रिटन बाई जुनेथन स्विफ्ट इसी तरह अन ऐसे हमारे पास बटर रसल का लिखा हुआ then we have a redress of poetry by irish poet and prose writer shimas hini iske alawa hamare paas hai edward said ka likha hua an introduction to culture and imperialism to ye panch books hain aapke panch prose writer hain aapke am english part 1 ke syllabus mein तो मेरी रिकमेंडेशन ये है आई वुड सजेस्ट अगर आप इसमें से पहुँचो कर लें uh, well and good अच्छा है वो ज़्यादा अगर आप इसमें से स्किप करना चाहें तो ये बर्टन रसल के जो अनपॉपुलर एसेज हैं आप वो स्किप कर सकते हैं लेकिन बाकी चार प्रिपेयर कर लें नो आई विल डिस्कस विच इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव क्वेश्चन यू शुड गो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर प्रोस पेपर तो आई उसको डिस्कस करते हैं सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम बेकन ऐसेस से देखें तो बेकन ऐसे जो है स्टूडेंट इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप प्रिपेयर कर लें वो वर्ल्डी विजडम है कि बेकन जो है बहुत ही मतलब वर्ल्डली वाइज मैन नज़र आता है उसकी लिखी हुई बातें ऐसे जैसे कोटेशनस हैं जितने भी बाकी क्वेश्चन हैं ना बेकन एज मोरलिस्ट बेकन मोरलिस्ट है क्या प्योरली मॉरलिस्ट है क्या ये इसकी विजडम प्योरली वर्ल्ड विजडम जो है क्या वो प्योर नज़र आती है क्या मोरलिटी प्योर उसमें नज़र आती है तो आपने दोनों आस्पेक्ट को बयान करना है कि एक वर्ल्डली वाइज मैन है ठीक है मोरलिस्ट भी है ठीक है दोनों चीज़ें इसमें मतलब कई जगह पर कहता है मोरालिटी जो है ना उसको सेकेंडरी इम्पोर्टेंस पे ले जाता है कि जहाँ पे आपको अपना फ़ायदा नज़र आ रहा हो ये कहता है उसको निकाल लें बस ठीक है तो इसकी विजडम मोरालिटी जो है ये प्योर आपको नज़र नहीं आएगी क्योंकि ये दूसरी चीज़ का भी अनफेयर चीज़ की बात करता है कि अपना फ़ायदा सिर्फ निकाल लिया जाए अलेक्ज़ेंडर पोप ने इसके मतलब कहा था कि वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट कि बड़ा वाइजेस्ट भी नज़र आता है ब्राइटेस्ट और मीनेस हमारा इसमें वो कुछ घटिया चीज़ें भी नजर तो इसमें वाइजेस्ट वो कहता है अलेक्जेंडर पोप ब्राइटेस्ट कहता है इसको बेकन को और मीनेस्ट भी साथ कहता है यानी कि बड़ी बड़ी विजडम वाली बातें बयान करता है बेकन लेकिन एट द सेम टाइम उसको मीनेस्ट भी कहता है कि बेकन की जो मॉरेलीटी है वो सेलेबल मोरेटी है यानी कि उसकी मोरेटी प्योर नहीं हमें नज़र आती उसके कुछ आइडिया सब स्टैंडर्ड नोयत के लगते हैं कि जहाँ पे आपको कोई दुनियावी फायदा दे नज़र आ रहा हो वहाँ पे आप मोरलिटी का ख्याल ना रखें इसलिए इस तरह कहा गया है नीचे क्वेश्चन है डिस्पर्स मेडिटेशन इससे मुराद यही है कि इसके ख्याल एक बड़े कोहेरेंट वे में बयान नहीं किए गए ठीक है एक तरतीब का प्रॉपर ख्याल नहीं रखा गया इंसाइक्लोपीडिक रेंज की बात आ जाए मतलब बहुत एक्सटेंसिव नॉलेज नज़र आता है हर तरह के मौजू पर ठीक है ये बेकन की हूबी है तो ये क्वेश्चन जो है इसका आप वर्ल्ड विजडम में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वर्ल्ड विजडम का जो क्वेश्चन है यही बेसिकली इसका मेन क्वेश्चन है जिसमें आप क्वेश्चन को हर तरह से मॉल्ड कर सकते हैं चाहे उसकी वर्ल्ड विजडम पूछी जाए चाहे उसका मॉरलिस्ट पूछा जाए ये क्वेश्चन को मिक्स किया जाता है क्या एक ट्रूली इस मॉरलिस्ट कह सकते हैं या नहीं कह सकते ठीक है।, है तो आप इसमें दोनों चीज़ें बयान करेंगे कि इसकी जो मोरालिटी है वो प्योर मोरालिटी नहीं है इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसका प्रो स्टाइल है कीप इन माइंड कि आपको पेपर में प्रोज़ के पेपर में एक प्रो स्टाइल लाजमी आ जाता है तो इसका आपने प्रोज राइटर प्रो स्टाइल जो है ये तकरीबन सारे राइटर्स का करना है तो यहाँ से दो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यही वर्ल्डली विजडम और प्रो स्टाइल इसके बाद हमारे पास गुलेबर्स ट्रेवल्स है रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट ठीक है आपको पता है बहुत मशहूर ये प्रोज़ वर्क नावल है और ये इसमें इस स्टायर की गई है अगस्टन ऐज जो थी बेसिकली लिटरेचर में एटीन सेंचुरी जिसको एज ऑफ पोप भी कहा जाता था एज ऑफ रीज़न भी कहा जाता था एज ऑफ इलाइटनमेंट ऐज ऑफ़ गुड्स एंड डिफरेंट नाम है इसके तो उस एज की सबसे अहम करक्टरिस्टिक जो थी वो ये सटायर थी तो इसका क्वेश्चन भी आपको मेन सोशल स्टाइल के ऊपर ही आएगा कि किस तरह पॉलिटिक्स पे स्टाइल दिखाई जाती है मिस यूज़ ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट जैसे थर्ड वाइज में लपूटा में दिखाई जाती है तीसरा ये स्टाइल जो है ये मेन क्वेश्चन है इसका ठीक है स्टाइल के अंदर ही कोई आयरनी वगैरह कोई सिम्बोलिक आइडियाज़ भी डिस्कस होते हैं समटम क्वेश्चन जो है ना वो आपको बहुत मतलब स्टेटमेंट उसकी दी जाती है वो कन्फ्यूजिंग सी थोड़ा सा आपको जो है ना उस क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स को क्लियर करना पेपर से पहले वो ज़रूरी है ज़्यादा से ज़्यादा पास पेपर देखें फिर इस पर चार जो मिस एंथ्रोपी है इसको एज मिस एंथ्रोपी बयान करें क्या जोनाथन स्विफ्ट जो है जिस तरह फोर्थ वाइज का बयान करता है उसमें वो इंसान को मतलब वो ड्यू प्लेस नहीं देता तो क्या ये मिसेन बनता है इंसानियत के अगेंस्ट नज़र आता है या फिलन है ये इसके दो मेन क्वेश्चन हैं इसका भी आपको प्रो स्टाइल पूछा जा सकता है अनपॉपुलर पापुलर ऐसे बर्टर रसल का ये मैंने आपको चॉइस पे दिया हुआ है कि आप करना चाहें तो ठीक है अगर करना है तो ये चांद एक क्वेश्चन इसका देख लें आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड वो कौन से आइडियाज़ अहम बातें हैं इंसान की सोच इन्वेंशन जिन्होंने इंसान को मदद पहुँचाई है फ्यूचर ऑफ मैन काइंड क्या है उसके मुताबिक फंक्शन ऑफ टीचर क्या है रेसल्स प्रोस्टाइल ये प्रोस्टल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका पेपर में आपको किसी एक राइटर का रोस्टाइल आने का बहुत चांस होता है इसमत सिनी का ये उसकी बुक है रीड्रेस ऑफ पोइट्री कि पोइट्री पे बहुत से चार्जेस लगाए जाते हैं बहुत से इल्जाम लगाए जाते हैं ठीक है तो पोइट्री जो है कैसे रीड्रेस कैसे करती है रीड्रेस करना समा होता है किसी चीज़ की री एवेल्यूशन करना कि पोइट्री जो है चीज़ों की री एवेल्यूशन करती है जो सोशल इल्स हैं सोसाइटी के उनको ठीक करती है ये एक बहुत यूज़फुल एक्टिविटी है सोसाइटी में ये कोई यूज़लेस चीज़ इसको नहीं कहा जा सकता ठीक है तो ये पोइट्री का बेसिकली डिफेंस पेश किया हुआ है रीड्रेस से ठीक है किसी चीज़ को ठीक करके दिखाने की कोशिश की हुई है यानी कि पोइट्री के मतलब जो मिसकसैप्शन चलते हैं उनको उनका डिफेंस पेश करता है तो इस तरह से ये डिफेंस ऑफ पोइट्री ये इसका मेन क्वेश्चन है और समटम इसका प्रो स्टाइल जो है वो भी पूछ लिया जाता है फिर हमारे पास लास्ट ये बुक है प्रोज में एन इंट्रोडक्शन टू कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म। तो कल्चर क्या है इम्पीरियलिज्म क्या है कलोनीलिज़म क्या है यह एडवरसाइड की बुक है जिसमें जो बेसिकली एक कन्डेमनेशन है एक क्रिटिसिज्म है तनकीद है ये जो वेस्टर्न कन्सैप्ट है ना एम्पीरियलज़म का कि कैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को एक्सप्लोय किया जाता रहा उस पर एक किस्म की बड़ी अच्छी लिखी हुई क्रिटिसिज्म है तो यहाँ से आप एक ही क्वेश्चन कर लें कि बेसिकली ये क्या है कल्चर एम्पीरियलज़म क्या है उस पर वो अपना कैसे एक क्रिटिसिज्म पेश करता है कैसे रियलिटी जो है वो दुनिया के सामने कैसे रखता है इसका एक क्वेश्चन है रेफरेंसेस ऑफ द नावलिस्ट ये वो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये अगर आपको आ जाए आप कल्चर एंड एम्पीलिज़म का क्वेश्चन ही बेसिकली लिख सकते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा बयान करें कि एडवरसाइड अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए बहुत से नावलिस्ट जो हैं उनका भी रेफरेंस देता है जिन्होंने इस एम्पीलज़म के कल्चर के ख़िलाफ़ लिखा हुआ है एक्सपोज़ किया उस चीज़ को जैसे जोसफ़ कॉन्ड का जिक्र करता है जेन ऑस्टन का जिक्र करता है चिनो एच भी है ठीक है तो आप ये थोड़ा सा लिख के बाकी ये कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म को ही लिख सकते हैं तो ये आप सिलेक्टिव से स्टडी कर लें तो आपका पेपर जो है वो अच्छा हो जाएगा एक बहुत अहम बात जैसे कि मैं पहले भी डिस्कस करता हूँ कि ये चंद एक सवाल बता देना ये ही मतलब इनफ़ नहीं होते आपको असल जो इस टाइम जो पेपर से पहले आपकी जो स्टडी होती है वो होनी चाहिए आपकी पास पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत ज़्यादा क्योंकि तो आपको बता दिया गया है कि ग्लेवर्स ट्रेवल्स में से आप सोशल स्टायर कर लें या मिस एंड क्वेश्चन कर लें लेकिन पेपर में समटाइम कन्फ्यू ऐसी कन्फ्यूजिंग से स्टेटमेंट्स आई होती हैं रीडरस ऑफ पोइट्री की जैसे आपको कह दिया कि एक क्वेश्चन कर लें तो उसके पास पेपर को बहुत ज़्यादा कंसल्ट करें क्वेश्चन के स्टेटमेंट डिफरेंट तरह से कन्फ्यूजिंग सी बना कर दी जाती हैं उनको अंडरस्टैंड करना उनके मुताबिक स्टार्ट करना चीज़ को उसके मुताबिक ये बहुत ज़रूरी होता है इसलिए मतलब बहुत से स्टूडेंट्स बाद में ये कहते हैं जी वो अचानक सवाल कर लिए थे तो ये वाला लिख दिया है या ये, ये क्या हो गया है मतलब ये है कि आप उसके प्रॉपर पहले अंडरस्टेंडिंग लें पास पेपर से जितने भी पास पेपर हैं सारे वो क्लियर करके जाए इफ़ यू आर हैविंग सम कन्फ्यूजन इन द स्टेटमेंट्स ऑफ क्वेश्चन यू मे फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप तो काइंडली ये कमेंट में आप ज़रूर अपने सजेशन्स दें तो जिस आप में से किसी को कोई स्टेटमेंट कन्फ्यूज़ कर रही हो क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही हो तो आप वो व्हाट्सएप पर मुझे भेजें क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा उसको फिर समझाना पड़ता है ठीक है तो ये आपका पेपर है प्रोज का पेपर जो मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है तो ये कर लें ठीक है तो फिर आपके साथ नेक्स्ट मुलाकात होगी इंशाल्लाह टिल दैट टाइम अल्लाह हाफिज़